महरौनी ललितपुर में ब्राह्मण समाजोत्थान सेवा संस्थान रज के तत्वावधान में ब्राह्मण महामंडल विधानसभा क्षेत्र महरौनी द्वारा नगर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के की प्रबंधक समिति पर गंभीर आरोप लगाते हुए उपजिलाधिकारी महरौनी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज संस्था के द्वारा विद्यालय में पदस्थ सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा। पहले भी विगत वर्ष विद्यालय के एक शिक्षक शैलेंद्र माली द्वारा ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी का ऑडियो वायरल हुआ, जिस पर ब्राह्मण समाज द्वारा विरोध करने पर संस्था के प्रबंधक ने उक्त शिक्षक को विद्यालय से निष्कासन पत्र ब्राह्मण महामंडल को दिखाकर हटा दिया था। लेकिन आज भी संस्था के प्रबंधक द्वारा उक्त शिक्षक को संस्था के ललितपुर शिक्षण संस्था का प्रधानाचार्य पद से सुशोभित किया गया है। संस्था द्वारा ऐसे व्यक्ति को पदासीन करने से ब्राह्मण समाज में आक्रोशित है। शिक्षण संस्था द्वारा ब्राह्मण समाज के शिक्षकों का उत्पीड़न करते हुए विशेष वर्ग की तानाशाही से संस्था में कार्यरत सब सिर्फ ब्राह्मण शिक्षकों में कुछ का स्थानांतरण तो वह कुछ शिक्षकों का निष्कासन कर दिया। विद्यालय में प्रबंधन समिति द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की जा रही हैं। वहीं प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष द्वारा छात्र छात्राओं से सुविधा के नाम पर भारी भरकम फीस ली जा रही है, तो संस्था में NCERT पुस्तकें नहीं पढ़ाकर अपनी मर्जी की किताबें लेने के लिए मजबूर किया जाता है। संस्था के कोषाध्यक्ष द्वारा स्टेशनरी सप्लाई का ठेका ललितपुर के रिश्तेदार को दिया गया है। वहीं छात्र छात्राओं को ड्रेस कोड बदलकर ड्रेस का कपड़ा अपनी स्वयं दुकान से खरीदने को मजबूर किया जाता है। विगत 30 वर्षों से प्रबंध समिति के पदाधिकारी समिति में अहम भूमिका निभाते हैं और वित्तीय अनियमितताओं पर भरपूर लाभ उठा रहे हैं। ब्राह्मण मंडल के पदाधिकारी और सदस्यों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन में मांग की है कि संस्था के वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराई जाए, ब्राह्मण समाज के शिक्षकों का उत्पीड़न बंद कराया जाए, शिक्षकों की भर्ती कराई जाए, साथ ही 30 वर्षों से एक ही पद पर जमे प्रबंधक समिति के पदाधिकारियों को हटाकर नई समिति का गठन किया जाए। एक समाज के ऊपर कलंक है जो केवल ब्राह्मण समाज को केवल टारगेट बना के किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग अच्छे शिक्षक हैं और उसी कारण पिछली बार जो एक माली था उस शैलेंद्र माली, उसने एक वीडियो वायरल किया था ब्राह्मणों के खिलाफ। हम लोगों ने उसके लिए निष्कासन करवाया था लेकिन उन्होंने किया नहीं। वो ही टारगेट बना के अपने समाज के ब्राह्मण समाज के अध्यापकों को निकाला गया। भाई पहले भी कई मामले आए हैं कि बच्चे टीका लगा के जा रहे हैं, उस पर भी काफी विवाद चली थी। बहुत विवाद हुआ और उन्होंने पाव भी कुचले, टीका भी मिटाए, सब कुछ किया। इसी कारण हम लोगों ने उसका विरोध किया था, उसी के कारण ये ब्राह्मण समाज के अध्यापकों को उन्होंने निष्कासित किया। और हम लोगों की मांग है यदि उन्हें वापस नहीं लिया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये विद्या मंदिर में ब्राह्मणों के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ ज्ञापन दिया है। वहाँ की अनियमितताएं, जितनी वित्तीय अनियमितताएं, कई प्रकार की अनियमितताएं हैं, उसके खिलाफ में ज्ञापन दिया है। क्या मांग है आप? मांग ये है कि वो उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी निष्कासित किए गए हैं जो भी टीचर, उनको पुनः ज्यों का त्यों वापस रखा जाए। देखिए पूर्व में एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें शैलेंद्र माली जी, उनके एक शिक्षक हैं और सभ्य समाज में इस प्रकार की, जिस प्रकार की उन्होंने भाषा का उपयोग किया था वो कहीं से स्वीकार नहीं था। फिर भी हम लोगों ने ब्राह्मण चूंकि समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं, हम लोगों ने उसको माफ किया और प्रबंधन समिति से उनकी शिकायत की। प्रबंधन समिति ने हम लोगों के साथ छलावा करते हुए हम लोगों के साथ दिखावा यह किया ब्राह्मण समाज के साथ कि उनको विद्यालय से हटा दिया गया, लेकिन असल में उनको हटाया नहीं गया था, उनका प्रमोशन किया गया था। क्योंकि उनको इस चीज का प्रोत्साहन दिया गया था कि आप ब्राह्मणों के खिलाफ ऐसी ही आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहें और आप दिनों दिन तरक्की की फसल काटते रहेंगे। और हम सभी ब्राह्मण समाज के लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जो विद्यालय प्रबंधन समिति है, साहू जमुना प्रसाद साहू जी हैं और मुन्नालाल जी जैन हैं एवं जो दो शिक्षक हैं, एक माली जी शैलेंद्र माली जी और कुंवर कुशवाहा, यह लोग किस प्रकार से एक कूट रचित षड्यंत्र करके खास तौर से एक ब्राह्मण वर्ग के शिक्षकों को टारगेट कर रहे हैं। क्या मतलब ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ा या इनकी क्या ये क्यों इन्हें कुंठा है ब्राह्मणों से, ये हम आपके माध्यम से इनसे यह जानना चाहेंगे कि आप अपना जवाब हम लोगों को दें, आप बताएं हम लोगों को कि ब्राह्मण समाज से आपकी क्या कुंठा है, क्या दुश्मनी है, व्यक्तिगत आप क्यों एक वर्ग एक समाज को टारगेट कर रहे हैं। उसी संबंध में आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया और साथ ही यह भी मांग की कि जो भी विद्यालय में अनियमितताएं हैं उनकी भी जांच कर और जो भी दोषी इसमें पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।